दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 17 दिसंबर 2023 रविवार। एक बार फिर से माप के लिए आज की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। 5 विभागों में बम्पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इन भर्तियों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आ चुकी है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनमें 2 भर्तियाँ बिना एग्जाम बिना परीक्षा की भी निकली है। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 17 दिसंबर 2023 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, UIIC के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। असिस्टेंट की पोस्ट है, 300 वैकेंसीज निकली है। आवेदन इसके लिए कल से शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन के स्टार्टिंग डेट 18 दिसंबर 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 6 जनवरी 2024 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 6 जनवरी 2024 है। एग्जाम डेट फरवरी 2024 में है। सैलरी 22,405 से 62,265 है प्रति माह के लिए। डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये है। SST PH के लिए 250 है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। UIIC.CO.IN पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब है वो निकली है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, बिजली विभाग PSPCL के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट है, 2,500 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए भी 26 दिसंबर से शुरू होंगे। लास्ट डेट 15 जनवरी 2024 है। सैलरी 19,900 है प्रति माह के लिए। 10th पास ITI और डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग से भी आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 37 वर्ष आयु सीमा है। SCPWD के लिए 590, ऑल अदर के लिए 944 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप SB कलेक्ट से पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, PSPCL.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब यहां पर निकली है वो निकली एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। जूनियर इंजीनियर JEE की पोस्ट है, 34 वैकेंसीज है। लास्ट डेट अप्लाई करने की विद इन 45 डेज है। नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने से 45 दिन बाद इसकी लास्ट डेट होगी। 9,300 से 34,800 सैलरी है प्रति माह के लिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 56 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। EPFIndia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर की जॉब निकली है वो निकली है बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड में, BESCOM बिजली विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 400 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 31 दिसंबर 2023 है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,008, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 सैलरी है। डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बेंगलोर कर्नाटक जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। BESCOM.org.karnataka.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 5 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अंतर्गत भर्ती निकली है। टेक्नीशियन BEE की पोस्ट है, 54 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 31 दिसंबर 2023 है। 21,700 से 69,100 सैलरी है भर्ती वहां के लिए। 10वीं पास ITI या NCVT सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। 500 रुपये फीस है। SST और PH फीमेल की यहाँ पर टोटल फीस रिफंड कर दी जाएगी एग्जाम के बाद में, और यहाँ पर अदर कैंडिडेट की 400
₹400 यहाँ पर रिफंड की जाएगी, जो कि आप पेमेंट इसका ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। nrsc.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज के अनिकेत 17 दिसंबर 2023 रविवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे पेज पर विजिट करके आप इसे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी इसे कर सकते हो। सभी भर्तियों के इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।